छत्तीसगढ़ में झोला छाप डॉक्टर से अपने बच्चे का उपचार करवाने से एक मां की गोद सुनी हो गई। मामला बिलौदा बाजार जिले के ग्राम पवनी का है। ग्राम टुंडरी में प्रैक्टिस करने वाले झोला छाप डॉक्टर विष्णु साहू द्वारा छात्रा शिवरात्रि साहू पिता प्रेमलाल साहू को उपचार के दौरान ड्रिप लगाया। आधा ड्रिप खत्म हो पाया कि कुमारी शिवरात्रि साहू की मौत हो गई। तब डॉक्टर विष्णु साहू द्वारा पीड़ित के घर फोन कर उन्हें पवनी बुलवाया। मृतक के पिता एवं उनके चाचा हिमलाल साहू ने पवनी पहुंचकर देखा कि डॉक्टर की पत्नी मंगली साहू ड्रिप लगा रही है। उन्होंने कहा कि यह केस हमारे बस का नहीं है, लड़की की सांस चल रही है, इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। तब परिजनों ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है। परिजनों ने इसकी सूचना बिलाईगढ़ थाना में की। सूचना के एक घंटे बाद पुलिस डॉक्टर के घर पहुंची एवं मकान को तहसीलदार बिलाईगढ़ रजनी भगत की मौजूदगी में सील किया। पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर कार्यवाही की। इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। यहां तक कि किसी ने डॉक्टर का डिग्री की जांच भी नहीं की। वही इस संबंध में बिलाईगढ़ बीएमओ नारायण साहू से पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर विष्णु साहू को पुलिस द्वारा मुलायजा के लिए लाया गया, जिसके मुंह से मादक पदार्थ की बू आ रही थी। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही की, जिससे झोला छाप डॉक्टर भूमिगत हो गए थे और झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्यवाही को सराहा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही एक एक कर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक फिर से खुल गए, जिन्होंने मरीजों की जान से खिलवाड़ करना आरंभ कर दिया। जब हम लोग यहाँ पर आए तो लड़की अचेत पड़ी थी, मरी हुई थी। उसकी मिसेज बोलती है कि इसमें जान है, इसको कहीं बाहर ले जाओ। तो मैंने बोला कि डॉक्टर को पहले उठाओ, उसके बाद हम इसको बाहर ले जाएंगे। तो जब डॉक्टर को उठाने गए तो डॉक्टर उठ ही नहीं रहा था, उसके मुंह में पानी फेंका गया। फेंकने के बाद उसका कॉलर पकड़ी, जब उठाए ना तो बिल्कुल नशे में धुत, अपने आप को खुद नहीं पहचान रहा था। उसी स्थिति में उसको देखे तो बोलता है कि मैं तो इसके साथ कुछ नहीं किया हूँ, इसको ड्रिप भी नहीं लगाया, इंजेक्शन दिया हूँ। और उसकी मम्मी बोल रही है कि इंजेक्शन लगाया है, ड्रिप दिया है। ये बच्चों का जान, बुजुर्गों का जान लेता हुआ है। ये बहुत बार इसका केस हो चुका है, मैं चाहता हूँ इसको बहुत बड़ी सजा मिले। क्या है, इलाज के दौरान इसके यहाँ खत्म हुआ है, उसका जांच चल रहा है, जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में आप लोग भी जान रहे हैं, है ना? मैं भी जान रही हूँ, जांच की कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।